भूपेश सरकार के तरफ से प्रदेश के बेटियों के भविष्य के लिए एक अच्छी और नई योजना। दरअसल छत्तीसगढ़ में गरीब परिवार में जन्म लेने वाले बेटियों के लिए नोनी सुरक्षा योजना बड़ा सहारा बन रही है। इससे परिवार की बेटियों के भविष्य को लेकर चिंता भी दूर हुई। बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 18 वर्ष पूरा होने और 12वीं उत्तीर्ण होने पर 1,00,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए जीवन बीमा निगम एवं महिला बाल विकास विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है, जहां नोनी सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार के पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5,000 रुपए अर्थात पूरा 25,000 रुपए जमा किए जाते हैं। योजना के तहत अब तक 76,477 बच्चियों का पंजीयन किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला पर रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना और बाल विवाह की रोकथाम करना है। तो सरकार के इस नोनी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं भी दी गई है, जो हम आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल CG36 न्यूज पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नई नई जानकारियां मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस योजना के लिए केवल छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी माता एवं पिता अथवा अभिभावक होने की स्थिति में ही लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई बालिकाओं को ही लाभ दिया जा रहा है। तो वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे BPL श्रेणी के आवेदकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जहां एक परिवार की 2 लड़कियों के द्वारा छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना 2022 के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी बीच हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं को योजना के तहत लाभ मिलता है। योजना के शुरू होने से शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के साथ दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बसे परिवार में भी बेटियों के भविष्य की चिंता दूर हुई है, जहाँ योजना का लाभ लेने के लिए जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो ये रही दोस्तों एक नई जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।